नमस्कार साथियों, जय हिंद। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल जयपुर वॉइस के फेसबुक लाइव से आप जुड़े हैं, और अगर कोई नया है हमारे पेज पर तो जयपुर वॉइस पेज को फॉलो जरूर करें। एक बहुत बड़ी खबर है, आप सभी जानते हैं कैथल में किस तरीके से सम्राट बहिर्भोज मामले को लेकर जो एक मूर्ति अनावरण थी, उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के दौरान जो राजपूत समाज और गुर्जर समाज के अंदर आपस में जो बात हुई, दोनों समाजों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। और अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजपूत समाज द्वारा कल उत्तराखंड के देहरादून में एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागौद किले के जो राजकुमार हैं बहिर्भोज के वंशज अरुणोदय सिंह परिहार, वो भी पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास खबर है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि दोनों समाज की जो आमने सामने की स्थिति हो गई थी और फिर प्रशासन द्वारा जिस तरीके का जो व्यवहार किया गया था उसको लेकर राजपूत समाज में नाराजगी है कि जो भी जिस तरीके का जो लाठीचार्ज की भी खबरें आई, जिसको लेकर समाज में काफी नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर ये भी जो तटस्थ लोग हैं, यानी कि जो लोग ये चाहते हैं कि दोनों समाज में टकराव ना हो, आपस में बैठकर बातचीत करी जाए, ऐसी भी सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रही हैं। फिलहाल ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल 23 जुलाई को एक बहुत बड़ी राजपूत महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो देहरादून की इस महापंचायत में अरुणोदय सिंह परिहार वो भी पहुंचने वाले हैं, और इस बारे में कुछ और अपडेट आएगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये विवाद हुआ था और काफी बड़े स्तर पर ये विवाद हो गया था, और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे थे सड़कों पर, और फिर जो स्थिति हुई आप सभी ने देखी होगी सोशल मीडिया पर, जो भी लोग एक्टिव हैं उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, और कल जो महापंचायत होने वाली है उसमें राजपूत समाज क्या निर्णय करता है, उनकी तरफ से क्या अपडेट आती है, क्या उनकी पंचायत में फैसले लिए जाते हैं, हम आप तक जरूर अपडेट पहुंचाएंगे। अब फिलहाल इस बारे में कुछ देर पहले ही पता लगा है कि एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कैथल में जो हुआ उसको लेकर दो समाजों में बहुत बड़े टकराव की स्थिति बनी। और कहीं ना कहीं ये बहुत बार ऐसा हो रहा है आपस में, जो सारी चीजें हो रही हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि आपस में बैठकर बातचीत से अगर कोई हल निकल जाए, बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको अगर कोई और अपडेट आती है तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड के जो देहरादून के अंदर बहुत सारे लोग पहुंचने भी लगे हैं, क्योंकि कल 23 तारीख को बड़े स्तर पर राजपूत समाज द्वारा इस महापंचायत का बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच सकते हैं। और अब वहां पर क्या फैसला होता है राजपूत समाज के द्वारा, क्योंकि खुद जो अरुणोदय सिंह परिहार हैं, जो कि नागौद किले में रहते हैं फिलहाल, उनके भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है और खबर आ रही है कि वो वहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर इस महापंचायत पर सामने आ रही है। कुछ और जो अपडेट्स हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, जो ये मूर्ति अनावरण विवाद हुआ था इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी